नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सरोकार में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। हमारी आज की चर्चा है पहला टीका स्तनपान। माँ, ये वो लफ्ज है जिसको सुनते ही एक औरत अपना दोनों जहां पा लेती है। शिशु को स्तनपान कराना एक महिला के लिए कुदरत का नायाब तोहफा है। इससे शिशु को शारीरिक पोषण, आत्मिक सुकून दोनों मिलते हैं। स्तनपान माँ और शिशु दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। माँ और शिशु के बीच आपसी संबंध स्थापित करने में और ममता से और प्यार पैदा करने में स्तनपान की अहम भूमिका होती। देखिए हमारी रिपोर्ट। इस खूबसूरत दुनिया का हम अगर दीदार कर पाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। बच्चों को जन्म देने का दर्द असहनीय होता है। ईश्वर ने माँ को ही इस दर्द को सहने की ताकत दी है। 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पालने के बाद बच्चे को बीमारी से बचाने का तरीका भी माँ के पास ही होता है। कहा जाता है बच्चे को दिया गया माँ का पहला दूध किसी अमृत से कम नहीं। बदलते जीवन शैली और कामकाज में महिलाएं इतनी व्यस्त हो गई हैं, उन्हें अपने बच्चे को स्तनपान कराने का वक्त ही नहीं मिल रहा। स्तनपान संबंधी जानकारी और इसके फायदे समझाने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। ये सप्ताह सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि कार्यालयों में भी इस तरह का माहौल बनाने पर जोर देता है, जिससे स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना हो। चलिए अब आपको बताते हैं स्तनपान से शिशु को होने वाले क्या कुछ फायदे हैं। इसके लिए हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपनी सारी महिलाओं को जो गर्भवती हैं और जो सारी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको ये जागरूक कर सकें कि स्तनपान का क्या महत्व है। आजकल जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एज की जो लड़कियां हैं वो सोचती हैं कि अगर हम स्तनपान कराएंगे तो हमारा फिगर खराब हो जाएगा और हमारे ब्रेस्ट का साइज खराब हो जाएगा। बट मैं आपको सभी को बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही बड़ा, दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग इन विमेंस लाइफ। जो भी माता जब अपने शिशु को जन्म देती है और जब अपने ब्रेस्ट फीड कराती है तो उससे उसको बच्चे को बहुत ज़्यादा बीमारियों से हम बचा सकते हैं उस मिल्क द्वारा, और उससे बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। हम सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि तुरंत डिलीवरी के बाद, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसी टाइम, जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी हुई हमने नाल काटी और हम तभी बच्चे को माँ के सीने पे रख देते हैं और बच्चे को हम वो करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि ब्रेस्ट पे निप्पल पे लगा देते हैं ताकि माँ उसी टाइम दूध पिला सके। लेकिन यदि किसी का सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई है और महिला नहीं करा पा रही है स्तनपान, तो जल्दी से जल्दी, जैसे ही महिला होश में आए, अपने रूम में जाए, तभी वो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकते हैं। देखा जाए तो ये अगर हम हर बच्चे को पैदा होने के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करवा सकें, उसकी माँ का स्तनपान शुरू करवा सकें, और 6 माह तक, 180 दिन तक शिशु अगर केवल स्तनपान ले करता है तो बीमारी की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। ये उसका पहला टीका है जो उसको ना केवल बचपन की बीमारियों से बचाता है परंतु जीवन भर में कई ऐसी बीमारियां जो होने वाली होती हैं उनसे भी बचाता है। आपको हैरानी होगी कि ऐसे बच्चों में डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह भी कम देखा गया है। जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। माँ का दूध, खासकर पहले 3 दिन का पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रॉल पिलाने से शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। शिशु संक्रामक रोगों से सुरक्षित रहता है। हानिकारक जीवाणुओं के विरोध में विशेष एंटीबॉडी माँ के शरीर में बनती है, जिन्हें माँ के दूध के माध्यम से शिशु को पहुँचाया जाता है। ये अद्भुत क्षमता किसी ऊपरी दूध में नहीं हो सकती। ऊपरी दूध से शिशु लैक्टोज इंटॉलरेंस वो एनिमल मिल्क प्रोटीन एलर्जी जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है। माँ के दूध पर पलने वाले शिशु इनसे सुरक्षित रहते हैं। बोतल के जरिए दूध पिलाने से बच्चे में डायरिया का खतरा रहता है, साथ ही स्तनपान से इस खतरे से शिशु को बचाया जा सकता है। बोतल वाले दूध पर पले बच्चों में गैस, पेट दर्द की समस्या अधिक होती है। बोतल और चम्मच से दूध पिलाने के विपरीत स्तनपान एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें बच्चा अपने ताकत से दूध खींचता है जिससे उसके जबड़े बेहतर विकसित होते हैं। माँ के दूध से शिशु को जरूरी अमीनो एसिड, फैटी एसिड, पोषक तत्व मिलते हैं जिससे मानसिक विकास बेहतर होता है। स्तनपान के दौरान शिशु माँ के हाव भाव देखकर भी सीखता है, इसका संपूर्ण विकास जल्दी होता है। ऊपरी दूध पर पले बच्चों में भविष्य में मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और
फूड एलर्जी की संभावना अधिक होती है। स्तनपान कराने से मां को स्तन कैंसर की संभावना कम हो जाती है, डिंब ग्रंथि के कैंसर की संभावना भी कम हो जाती है। ये प्रसव पूर्व खून बहने और एनीमिया की संभावना को कम करता है। ये माँ को अपनी पुरानी शारीरिक संरचना वापस लाने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच मोटापा सामान्यतः कम पाया जाता है। जैसा कि अगस्त का पहला हफ्ता स्तनपान दिवस के रूप में मनाया, स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, और इस पर चर्चा करने के हम और हमारे साथ हमारे न्यूज स्टूडियो में मेहमान शामिल हैं हमारी इस चर्चा में, उनसे आपका तारुफ पहले करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि विश्वकर्मा जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका। साथ हैं डॉक्टर अमिता सिंह डायटिशियन है, बहुत स्वागत है अमिता जी आपका। और साथ में है डॉक्टर कविता गुप्ता घड़ाले जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है, बहुत स्वागत है कविता जी आपका। सबसे पहले रश्मि जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह हम स्तनपान सप्ताह की बात कर रहे हैं और इसमें जब जागरूकता की बात अगर देखें तो कितना दिखाई देता है आप इस स्तनपान सप्ताह को लेकर, कितनी जागरूकता है और इस सप्ताह को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या कुछ है? इस सप्ताह को मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि पहले के ज़माने में जिस तरीके से हम ब्रेस्ट फीड्स करते थे वो स्तनपान बीच में थोड़ा कम हो गया था। माओं को बहुत सारी भ्रांतियाँ थी उनके दिमाग में कि हो सकता है हमारी फिगर अफेक्ट हो जाएगी या बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं जा पाएगा, ये सारे इश्यूज थे। प्लस वर्किंग जो मदर्स रहती है उनको भी थोड़ा इश्यूज रहता है कि जब वो काम करने के लिए निकल जाते हैं, जो कामकाजी महिलाएं रहती है, तो वो स्तनपान सोचती है कि हम पहले से ही दूसरा दूध पिला दें तो स्तनपान कम कराने लगती है। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए ये स्तनपान जो सप्ताह है उसका मोटिव स्टार्ट किया गया था। डॉक्टर कविता आपसे समझना चाहेंगे स्तनपान से बचने की जो बात अभी रश्मि जी ने कही कि इसको कम कर दिया गया है और इस पर जागरूकता के लिए सप्ताह मनाया जाता है, हम ये समझना चाहेंगे एक स्त्री के लिए स्तनपान क्या है, उससे उसको क्या कुछ फायदा हो रहा है? ये सप्ताह 1 से 7 तारीख तक अगस्त के महीने में हर साल मनाया जाता है स्तनपान सप्ताह, और ये सभी महिलाओं के लिए, हम गर्भवती जो महिलाएं आती हैं हमारे पास उनको भी बताते हैं, सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि हमें हर महिला को डिलीवरी के बाद स्तनपान कराना कितना आवश्यक है, दोनों महिला के लिए भी और बच्चे के लिए भी। जब महिला जैसे ही डिलीवरी होती है हम लोगों को 1 घंटे के अंदर ही उनको अपना स्तनपान कराना होता है। जैसे हमने आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, उनको जल्दी से जल्दी अपना स्तनपान कराना चाहिए। जैसे ही बच्चा मिल्क निपल सक करता है और माँ को मिल्क आने लगता है, इससे बच्चे की बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना कम हो जाती है। जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है उसमें बहुत ज़्यादा 87% मात्रा में तो पानी होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है ब्रेस्ट मिल्क में वो होता है उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो बच्चे को, जो बच्चे की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो ये महिला के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए ही ये स्तनपान बहुत ही आवश्यक है। महिला का बच्चे से बॉन्ड बढ़ता है और महिला ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो महिला को, मेंटल ब्लूज़ होते हैं, पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं, पोस्टपार्टम हैमरेज होते हैं, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है, वो सब से भी रोका जा सकता है। डॉक्टर अमिता आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह स्तनपान सप्ताह की बात कर रहे हैं हमारे दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बातें कही कि बच्चे को क्या कुछ फ़ायदा है और माँ को क्या कुछ फ़ायदा है, हम ये समझना चाहेंगे कई बार ऐसा देखने को सुनने को मिलता है जब जन्म के बाद कई बार ये माँ ये शिकायत करती हुई दिखाई देती है कि वो उतना उसका सिक्रेशन नहीं हो रहा जितना कि एक बच्चे को पर्याप्त हो सके, तो उसके लिए क्या कुछ किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? जैसा कि जन्म के तुरंत बाद डॉक्टर कविता ने कहा कि तुरंत बाद ही हम फीड कराने की सलाह देते हैं और तुरंत लगा देते हैं, उस समय कई बार ऐसा होता है कि कमजोरी की वजह, जैसे कि पोस्टपार्टम हेमरेज की बात की, ब्लीडिंग वगैरह भी हो रही है और वो उतना ज्यादा मिल्क सिक्रीशन नहीं हो पा रहा जितना कि बच्चे को दिया जा सके, तो उसके लिए क्या कुछ आहार किस तरह का लेना चाहिए जिससे सिक्रीशन ज्यादा से ज्यादा हो सके? सो इसके पहले कि मैं माँ के आहार की बात करूँ, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी जो आपने बोली है कि माताओं की ये हमेशा भ्रांति रहती है और वे सोचती हैं, और अधिकतर मदर जी हमें कहती हैं कि दूध आया ही नहीं। होता क्या है कि जब शिशु पैदा हुआ है तो उसका पेट भी बहुत छोटा है और उसके लिए उसकी माँ के अंदर से बिल्कुल मैच करता हुआ दूध निकलता है, उतनी ही
मात्रा में उसी प्रकार का जैसा उस शिशु को चाहिए। ये इतना स्पेसिफिक और नेचुरल तरीका है, भगवान की ऐसी सृष्टि ये बनाई हुई है कि उसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो शुरू में जो गाढ़ा पीला दूध आता है और थोड़ा सा आता है, मैं चाहूंगी कि माताएं ये समझ लें कि शिशु को चाहिए ही उतना, इसलिए वो उतना आता है। और ये जो तीन दिन का पहला कोलोस्ट्रम या खीस या जिसको जो ये जो गाढ़ा दूध है, ये धीरे धीरे करके अपने आप पिलाते रहिए, अपने आप मात्रा दूध की बढ़ती जाएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि बच्चे को जब जब भूख लगे वो आप उसको पिलाते रहिए। अगर शिशु 8 से 10 बार यूरिन पास कर रहा है, इन्फेंट पास कर रहा है, वेट उसका बढ़ रहा है, तो मतलब एडिक्वेट उसका गेन हो रहा है। जहां तक डाइट की बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है, क्योंकि कई बार गर्भावस्था के समय तो हम देखते हैं घर वाले भी ध्यान देते हैं, माँ भी ध्यान देती है कि हम खाना ज्यादा खाना है, ठीक से खाना है, बट पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट डिलीवरी वो वहीं पर बिल्कुल ध्यान अपनी तरफ से हट जाता है उनका, बच्चे की तरफ चला जाता है, घर के काम काज हो उसकी तरफ चला जाता है, खुद के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाती। आई वुड सजेस्ट वेरी स्ट्रांगली कि मदर्स को इस समय पर भी अपनी डाइट में खासकर दूध या दूध की बनी हुई वस्तुएं, दालें शुरू में बिल्कुल बिना छिलके वाली दालों का उपयोग करें, इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और जो अनाज की मात्रा है उतनी ही लें जितना उनका मन करे, परंतु हरी भाजी, जो मौसम की सब्जी है, फल है, दूध और दालें, इनके ऊपर किसी भी रूप में, जरूरी नहीं है कि दाल दाल की तरह से खाई जाए, दूध दूध की तरह से लिया जाए, खीर है, शीरा है, या खिचड़ी के साथ दही है, किसी भी फॉर्म में लिया जाए। और सबसे बड़ी बात, प्लीज पानी का पूरा ध्यान रखना है। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि पानी नहीं देते, पानी पिलाते नहीं हैं, पानी कम देते हैं, कई बार महिलाएं छुप छुप के पानी मंगाती हैं, ये मेरे सामने की बात है, और पीती हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिला के अंदर से दूध जा रहा है। और ये समझने की बात है कि अब महिला की जरूरत तीन चीजों के लिए है, एक उसकी अपनी जरूरत, दूसरी दूध बनाने के लिए जरूरत, और तीसरी जो कुछ दूध में जाना है उसकी जरूरत, इसलिए एविडेंटली आवश्यकता बढ़ जाती है। डॉक्टर रश्मि, जैसा कि अभी डॉक्टर अमिता ने बात की पानी की, पानी महिला के लिए बेहद जरूरी है, अगर उसी को दूसरे रूप में समझा जाए, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए क्या पानी की जरूरत होती है? जैसा कि उन्होंने बताया कि 85% जो होता है मदर मिल्क में पानी होता है, तो क्या अलग से बच्चे को, जो शिशु है उसको पानी देने की जरूरत पड़ती है? और अगर दे रहे हैं तो क्या वो जो दूध उस तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच पाता है, उस पानी भी वो पी रहा है उसके साथ? देखिए, जो माँ का दूध होता है वो नेचुरली इस तरीके से बनाया गया हुआ है नेचर ने कि वो कंप्लीट फूड होता है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो बच्चे की होती है उसको फुलफिल करता है। हमें अलग से 6 महीने तक तो बच्चे को कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, कोई भी जन्म घुट्टी, ग्राइप वाटर, शहद, ये सब कुछ भी नहीं देना होता है, इवन पानी भी नहीं, चाहे कोई भी सीजन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, बच्चे को पानी नहीं देना होता है। क्योंकि जो दूध का सीक्रीशन होता है उसकी 3 स्टेजेस होती है, जब भी मदर मिल्क निकलता है, जो ब्रेस्ट मिल्क निकलता है, स्टार्टिंग में जो निकलता है वो उसमें जस्ट पानी होता है, जिससे बच्चे की थर्स्ट, जो उसकी प्यास होती है उसको सेटिस्फाई करता है। उसके बाद प्रोटीन्स और कैलोरी रिच जो मिल्क होता है, गाढ़ा दूध, उसके बाद आता है स्टार्टिंग में। इसलिए हम हमेशा मदर को ये भी एडवाइस करते हैं कि आप एक टाइम में कम्प्लीटली एक साइड का फीड दीजिए, क्योंकि अगर मदर ने लेफ्ट साइड फीड कराया, 5 मिनट बाद दूसरे साइड से, राइट साइड से फीड कराया, तो दोनों साइड से सिर्फ बच्चे के पेट में पानी ही जाता है। कई बार ये भी एक रीज़न होता है कि बच्चे का वेट गेन नहीं होता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस बच्चे ने पानी पिया उसकी भूख भी शांत नहीं होती है, हर आधे घंटे में बच्चा भूख के लिए रोने लगता है, तो मदर को लगता है कि बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं मिल रहा है, और फिर वो सोचते हैं, जो दूसरे लोग रहते हैं घर के लोग, बड़े बूढ़े रहते हैं, वो सब सजेस्ट करने लगते हैं कि हो सकता है बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो आप दूसरा दूध दे दीजिए। तो पानी की आवश्यकता के लिए हमें ऊपर से कुछ भी नहीं देना है बच्चे को, जो माँ का दूध रहता है वो कम्प्लीट होता है,
जैसे कि अमिता मैम ने भी बताया कि उसमें सारे के सारे एंटीबॉडीज इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। आइडियल अंतराल क्या माना जाए बच्चे को कितनी देर में देना है माँ का? ऐसे फिक्स अंतराल ऐसा सच नहीं होता है, बच्चे की ऑन डिमांड फीडिंग होती है। जैसे ही बच्चे को भूख लगती है वो अपने आप ही उठता है, जब कम्प्लीटली वो सेटिस्फैक्टरीली 15-20 मिनट तो एटलीस्ट वो फीड करता ही है, उसके बाद 2-3 घंटे सो ही जाता है बच्चा। फिर जब उसे भूख लगती है बच्चा खुद ही उठता है और शिशु डिमांड करता है फीड के लिए, रोता है। तो हमें ऐसा फिक्स नहीं करना होता है कि 2-3 घंटे हो गए अब बच्चे को जगा दीजिए, ऐसा नहीं करना होता है। बच्चा जो होता है उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो उसके कारण भी उसे प्रॉब्लम्स होती है। एक शब्द आता है कंगारू मदर केयर, जी इसका क्या संबंध है स्तनपान का, कोई संबंध है इससे? क्या है कंगारू मदर? हाँ जी, जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने छाती से चिपका के रखता है और उसमें उसे कंफर्ट और वार्म सब मिलती है, तो कंगारू मदर केयर में भी यही होता है कि एक बॉन्डिंग सबसे पहले बच्चे की मदर से डेवलप होती है, सेकेंडली वार्म्थ जो होती है, जो गर्माहट होती है मदर की बॉडी से, वो बच्चे को मिलती है। पहले ये प्रीटर्म जो बेबीज होते हैं, एकदम छोटे जो नवजात शिशु रहते हैं, 1 किलो से भी कम के जो बच्चे होते हैं या उसके बाद के, उनको गर्माहट देने के लिए, उनको बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए मदर की छाती से बीच में, दोनों ब्रेस्ट के बीच में उनको अटैच करवाया जाता है और फिर कम्प्लीटली कवर कर देते हैं, जस्ट उसका हेड जो रहता है वो बाहर रहता है और कैप्स लगा देते हैं। तो कंगारू मदर केयर भी यही एक फॉर्म रहता है कि इसमें बच्चे की ग्रोथ अच्छी से होती है, वार्म प्रॉपरली मिलता है, एक बॉन्डिंग मदर और बेबी में डेवलप होती है, बच्चे का साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है इस अटैचमेंट के कारण, और फीडिंग के लिए भी एक स्टिमुलेशन होता है, जो टच होता है, जो सेंसेशन होता है, मदर मिल्क का स्मेल आता है बेबी को, मदर की एक स्मेल होती है जो स्टार्टिंग से बच्चे को उसका आइडिया रहता है जब से वो वोम में रहता है, तो ये भी एक फीडिंग इनिशिएट करने के लिए एक अच्छी टेक्निक होती है। डॉक्टर कविता आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि कई बार महिलाएं, जबकि कम देखा जाता है कि माँ जो होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जैसा कि रिपोर्ट में भी आया है कि काफी महिलाएं बचती हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह है? क्या ये फिगर को लेकर ही ये चिंता होती है या कोई और वजह भी है कि वो अपने जो बच्चा है उसको स्तनपान नहीं कराना चाहते? जी, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे पास आती हैं, आजकल यंग जनरेशन है, नई पीढ़ी की लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं, बहुत ज़्यादा फिगर कॉन्शियस हैं, वो सब हमसे कहती हैं कि मैडम अगर हम फीड कराएंगे तो हमारा, हम बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में ऑलरेडी एक्चुअली सब डिसफिगरमेंट हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो उनको लगता है कि अगर हम फीड कराएंगे तो हमारा फिगर वापस ठीक नहीं होगा, बल्कि ये उल्टा है, ये मिथ है। अगर वो बच्चे को अच्छे से एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक फीड कराएंगी तो उससे उनका कैलोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा कैलोरी कंज्यूम करता है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, तो उससे उनका कैलोरी वैसे ही उनका वर्कआउट हो जाएगा और उनको, उनका फिगर भी ठीक रहेगा और यूट्रस भी वापस इन्वॉल्यूशन होने में बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि 40 डेज में यूट्रस अपनी जगह पे वापस जाता है। अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली माँ का फीड लेता है तो उसका यूट्रस वापस मदर का अपनी जगह पे जाता है 6 हफ्ते में, उससे ब्लीडिंग भी कम होती है, मदर का पेट भी कम होता है, ब्रेस्ट का साइज़ भी ठीक रहता है और फिगर भी मेंटेन्ड रहता है। हम तो महिलाओं को ये एडवाइस करते हैं सभी महिलाओं को, 6 महीने तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं और 2 साल तक बच्चे को फीड कराएं। जब तक बच्चा टॉप फीड लेना स्टार्ट कर देता है, फिर ऊपर का खाना शुरू कर देता है, ऊपर का दूध शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे वीनिंग करते हैं, धीरे धीरे माँ अपना दूध कम करना शुरू कर देती है, ऊपर का दूध और बाकी जो चीज़ें हैं जो सॉफ्ट सा आहार रहते हैं जैसे केला मैश किया हुआ, फ्रूट्स हैं, दाल चावल, वो सब जो घर में दिया जाता है वो सब शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक स्टेज के बाद फिर माँ से बच्चे को दूध मिलना बहुत कम हो जाता है, उसमें आयरन कैल्शियम सभी की अमाउंट बहुत कम हो जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा गांव में महिलाएं 3-3 साल तक, 4-4 साल तक बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन वो बहुत गलत है, उससे भी और मेल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि बच्चे को माँ से कुछ मिल ही नहीं रहा है। और माँ, कई लोग जो बहुत हमारे समाज में जो बहुत गरीब वर्ग है जहाँ पे माँ को खाने को नहीं मिलता है, बच्चे को भी खाने को नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं कि 3 साल तक सिर्फ बच्चे को माँ की दूध की ज़रूरत है, वो पिलाती रहती हैं और बच्चे में एनीमिया डेवलप हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो अपना दूध ही पिलाती रहती है। दूध पिलाने की एक वक्त होता है, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं, कुछ भी ना दें, पानी भी ना दें, जैसे डॉक्टर रश्मि ने कहा, कोई घुट्टी, कोई पानी, कोई जूस सूप कुछ नहीं देना है। उसके बाद धीरे धीरे वीनिंग करनी है, 1-1.5 साल तक, ये महिला पर डिपेंड करता है जैसे भी उनकी परिस्थिति हो, 2 साल तक भी बच्चे को स्तनपान कराया जा सकता है। डॉक्टर कविता एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिस तरह कई बार ऐसी कंप्लेंट देखने को मिलती है कि जब जन्म के बाद महिला ये बताती है कि उसको ब्रेस्ट एब्सेस, इस तरह की चीज़ें, उसके पीछे क्या कुछ वजह होती है? वो भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ब्रेस्ट एब्सेस बच्चे के मुंह में जो इन्फेक्शन होता है वही अगर
कुछ क्रैक निपल हो गया है माँ को, बच्चे ने दूध पिया, बच्चे को दांत तो आते नहीं है उस टाइम, लेकिन उसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि बच्चा उससे माँ को क्रैक निपल हो जाते हैं, वहाँ पे अगर इरोजन हो गया, क्रैक हो गया, तो उससे बैक्टीरिया अंदर जा सकता है और तब माँ को ब्रेस्ट एप्सिस हो सकता है। ब्रेस्ट एप्सिस का ये भी कारण है कि अगर दूध बहुत ज़्यादा आ रहा है माँ को और माँ पूरा पिला नहीं पा रही, या पूरा, हम लोग बहुत बार देते हैं कि एंगॉर्ज हो गए हैं ब्रेस्ट, बच्चा छोटा है, दूध बहुत ज़्यादा आ रहा है, माँ का आहार बहुत अच्छा है और बह रहा है दूध, और अगर बच्चे को नहीं पिलाएगी माँ, या फिर अगर बच्चे का पेट भर गया है, उसकी पूरी डाइट पूरी हो गई है, तो उसको हम एक्सप्रेस करके बोलते हैं कि आप निकालते रहें हर 2 घंटे में, हॉट फर्मेंटेशन करते रहें ताकि ब्रेस्ट एप्सिस ना हो। जो पेशेंट का सिजेरियन वगैरह होता है, कई बार पिला नहीं पाती हैं अपने बच्चों को दूध, तो भी हम कहते हैं बच्चा किसी और NICU में है, किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और नहीं पिला पा रही है माँ और दूध भर रहा है ब्रेस्ट के अंदर, तो वो भी एक ब्रेस्ट एप्सिस का कारण रहता है। डॉक्टर अमिता, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर कविता ने कहा कि 2 साल तक स्तनपान कराते रहना चाहिए, तो हम ये समझना चाहेंगे एक महिला के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा लंबे समय तक स्तनपान कराने से महिला के अंदर कई तरह की कमजोरियां भी होती है, एनीमिया भी एक कारण हो जाता है, तो उसको भी हम समझना चाहेंगे कि इस तरह की कंडीशन हो तो किस तरह का आहार लेना चाहिए ताकि वो बच्चे को सही तरह विकास भी पहुंच पाए और उस महिला का भी पूरी तरह उसका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आधा दिन, एक दिन, देखिए किसी का भी दिल नहीं करेगा कि इतने मेजर इशू के बाद रोटी चपाने को तो मन नहीं करता, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हम कहते हैं कि आप नरम खाना शुरू कर दीजिए। नरम खाने का मतलब है सब कुछ जो नॉर्मल घर में बन सकता है, खिचड़ी है, दाल दलिया है, थोड़ी खीर है, ये वाली चीज़ें भी नरम होती हैं, टेस्टी भी होती हैं और खाने को मन करता है, साथ में पानी देना शुरू करना है। दूसरे दिन से ही जनरली नॉर्मल डिलीवरी में सॉलिड शुरू कर देते हैं, इवन सिजेरियन के बाद दूसरे या तीसरे दिन से पूरा नॉर्मल खाना, रोटी, दाल, सब्जी सब लेना है। ध्यान देने वाली बात, जैसा मैंने पहले कहा, पर्याप्त मात्रा में दूध या दूध की बनी हुई वस्तु जरूर महिला के अंदर जानी चाहिए ताकि उसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। दालों का उपयोग भी प्रोटीन के लिए करना चाहिए क्योंकि कई बार इससे गैस बनती है, दालों से गैस बनती है, इसलिए बिना छिलके की दालों से शुरू करें, मगर दाल होनी चाहिए गाढ़ी, पानी पानी दाल जो है उसका कोई औचित्य नहीं होता है। थर्ड या फोर्थ डे से ही, आपको पता ही होगा हमारे देश में हर जगह लड्डू बनाए जाते हैं स्तनपान कराने वाली महिला का, उसका अर्थ ही यही था कि जो एक्स्ट्रा चीज उसकी आवश्यकता है उसे पूरा कर सके, उसमें सूखे मेवे भी होते हैं, गिरियां भी होती हैं, तो वो एक्चुअली में न्यूट्रिशन का कैप्सूल होता है, तो वो दिया जाना चाहिए। पर इसका यहाँ पर मैं एक बात एक जरूर कहूंगी, ये इसका अर्थ नहीं है कि आप महिला को खाने को मत दो और सिर्फ लड्डू ही लड्डू दो, हरीरा ही दो। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि लड्डू और हरीरा देख के ही उल्टी आने लगती है क्योंकि वो इतना तंग आ चुकी होती हैं सिर्फ वो मीठा और वही चीज देख देख के। ये सिर्फ जैसे शिशु के लिए 6 माह पे ऊपर से आहार शुरू करना है, ये महिला के लिए ऊपर से शुरू करने वाली वस्तु है एक्स्ट्रा की। इसका अर्थ ये नहीं कि नॉर्मल खाना नहीं देना। मौसम के फल, महंगे फल नहीं, मौसम के फल, और जब भी बारिश के मौसम को छोड़ के मैं कहूंगी कि हरी भाजी का उपयोग खूब अच्छे से पर्याप्त मात्रा में, ताकि विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई, इन सब चीज़ों की पूर्ति डाइट से ही हो सके। इन चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए, और जनरली मैं मदर्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि जितनी बार आप शिशु को लेके बैठो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, अपने लिए भी थोड़ा सा कुछ लेके बैठो। इट कैन बी एक कप दूध का हो जाए, दूध दलिया हो जाए, कटोरी खीर की हो जाए, और कुछ नहीं तो रोटी का एक रोल हो जाए। आप भी खाते जाओ, शिशु को भी पिलाते जाओ, बात करते जाओ, उसको सहलाते जाओ। ये चीज़ बहुत प्रेशियस चीज़ है और इससे उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। और एक और चीज़ मैडम मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि सब जो हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट्स रहते हैं या जो फीड कराती हैं मदर्स, वो सब कहती हैं उनको अजवाइन का पानी दिया जाता है इसलिए वो पानी नहीं पी पाती हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप अजवाइन का पानी तो ठीक है, अगर आपको पी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें नुकसान नहीं है। आप सादा पानी
3 से 4 लीटर जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पीना है। अगर आप 3 से 4 लीटर्स पानी, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन, नहीं पियेंगे तो आपको एडिक्वेट मिल्क आएगा ही नहीं। यही रीज़न होता है कि उनको एडिक्वेट मिल्क नहीं आता है और उनको नमक नहीं दिया जाता है। आपको एक और बात सबको पता होनी चाहिए कि जो भी ऑपरेशन होते हैं उनको नमक नहीं देते हैं सोच के कि टांके पक जाएंगे। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, नमक नहीं देते, नींबू नहीं देते, टमाटर नहीं देते खाने में, ये सोच के। आखिरी सवाल डॉक्टर रश्मि आपसे करना चाहूंगी, समय की कमी है, आपसे समझना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है मदर ये कंप्लेन करती नजर आती है कि जो बच्चा है फीड कराने के बाद गैस फॉर्म की बात करती है, गैस फॉर्म हो रही है बच्चे को, तो क्या प्रॉपर तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग का और गैस फॉर्म जो हो रही है बच्चे में वो क्या वजह होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्चुअली गैस फॉर्म नहीं होती है। कई बार क्या होता है जब बच्चे को सकिंग करवाती है मदर तो प्रॉपर अटैचमेंट नहीं हो रहा होता है, उसमें बच्चा बार बार मुंह सेपरेट करके सांस लेने के लिए मुंह खोलता है, एयर अंदर जाता है और वो जो प्रॉब्लम रहता है उसके कारण बार बार बच्चा दूध निकालने लगता है, क्योंकि एक लेवल दूध का बनता है उसके बाद एक लेवल एयर का बनता है। और जब हम जानते हैं कि जब भी एयर बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढती है उसके बाद का जितना भी दूध पिया रहता है सारा का सारा बाहर निकल जाता है, जिसे रिगर्जिटेशन ऑफ फीड्स बोलते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले से ही मदर को एटलीस्ट जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम से मोटिवेट किया जाए। पहले तो एक और चीज़ होती है कि रिट्रैक्टेड निप्पल या कुछ और प्रॉब्लम है निप्पल्स के, वो प्रॉपर एग्जामिनेशन अगर होता रहे मदर का या वो खुद भी बता दे कि हमें ये प्रॉब्लम है तो उसका केयर पहले से लिया जाएगा। और तो जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो ये फीडिंग इश्यूज नहीं डेवलप होंगे। सेकेंडली मदर को कम्फर्टेबल पोजिशन में बैठना होता है, वो एकदम कम्फर्टेबल पोजिशन में बैठे, उनका जो मूड है वो हैप्पी मूड होना चाहिए। अगर वो बहुत डिप्रेस मूड में रहे, बहुत दुखी रहे और मोटिवेटेड नहीं रहे तो उस कारण से भी वो फीडिंग प्रॉपर नहीं करा पाती है। बच्चे को इस पोजीशन में लेते हैं, हाथ इस तरह होता है, सर जो रहता है ये एल्बो रीजन पे आता है, पूरा बॉडी फोरआर्म में आ जाता है, जो बच्चे के बटक्स जो है मदर के हैंड्स में आ जाते हैं। इस पोजीशन में ये स्ट्रेट जो बॉडी पोस्चर रहता है, मदर का एक हैंड फ्री रहता है और इस प्रॉपर पोजीशनिंग के बाद बच्चे को प्रॉपर लैचिंग करवाई जाती है। प्रॉपर लैचिंग में बच्चा कम्प्लीटली मदर के ब्रेस्ट से अटैच होता है, चिन मदर के ब्रेस्ट से टच हो रही होती है, ऊपर का जो एरियल होता है वो मैक्सिमम कवर्ड होता है। इन सब मेथड से हम फीडिंग कराते हैं तो प्रॉपर लैचिंग होती है, फीडिंग प्रॉपर होती है और एयर अंदर नहीं जाती है, तो जो आप गैस का इश्यू बोल रहे हो वो रिजॉल्व हो जाता है मैक्सिमम। और उसके बाद में एक और चीज होती है कि डकार दिलवाना जो हम बोलते हैं, स्ट्रेट रखे जरूरी चीज है। कई बार होता है, कई बार सुनने को मिलता है कि बच्चे को फंदा लग गया या सांस की नली जो होती है उसमें दूध चला गया, निकलता है वो सांस की नली में चला जाता है। तो अगर चलिए बहुत सारी चीजें और है पर समय की कमी है, जैसा कि लैक्टेशनल एमेनोरिया की भी बात है कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इस तरह की भी समस्याएं होती है, पर समय की कमी है, इसको अगले बार हम इसको भी समझेंगे। पर यहाँ पर आप सभी का, तीनों मेहमानों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारी चर्चा में बस इतना ही, देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहें DNN के साथ।